हेलो प्यारे दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट क्लास 10 एंड 12 के बच्चों के लिए दोस्तों अभी आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। दोस्तों सुबह से ही जो है लगातार मीडिया दावे कर रही है रिजल्ट को लेकर। ऐसे में दोस्तों आज जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो कितने बजे आएगा आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आज रिजल्ट आएगा या फिर रिजल्ट नहीं आएगा ये सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों कंपार्टमेंट के रिजल्ट को लेकर ए से लेकर जेड तक की एवरी इंपोर्टेंट अपडेट दोस्तों बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज की इस वीडियो में सारी चीजों पे बात करेंगे। संडे को रिजल्ट आता है या नहीं आता है ये भी कुछ सवाल निकल के सामने आ रहे थे तो इस सवाल का जवाब भी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। और वेबसाइट किस तरीके से दिखेगा जिस पर आपका रिजल्ट आएगा तो वो चीजें भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो सीबीएसई बोर्ड 10 हो या 12 हो एवरी बच्चे यही चाहते हैं कि उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों आज के रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर दोस्तों आज जो है चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि दोस्तों बोर्ड लगातार कई दिनों पहले से ही जो है आपको ये बता दिया था बोर्ड ने कि हम 4 सितंबर को आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और दोस्तों आज जो है 4 सितंबर की डेट है यानी कि आज ही के दिन जो है बोर्ड के ऑफिसर्स ने रिजल्ट जारी करने को लेकर कहा था। तो ऐसे में दोस्तों आज रिजल्ट अनाउंस करने को लेकर हाइयर पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप सभी की तरफ से मैं खुद जो है सीबीएसई बोर्ड को मैंने ट्वीट करके दोस्तों आज के दिन जो है बोर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है और ज्यादा दिन तक जो है बच्चों को इंतजार ना करवाएं। जैसा कि आपने कहा था कि आज रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही जो है बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कर दें क्योंकि अगर आप एक दिन का भी देरी करते हैं तो उससे सीधा सीधा नुकसान जो है बच्चों का होगा, उनके एडमिशन उनको मिलने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज जो है रिजल्ट को लेकर लगातार दावे एक तरफ जरूर चल रहे हैं लेकिन एक चीज जो आपको इस वीडियो में समझना है दोस्तों रिजल्ट को लेकर दो पॉसिबिलिटीज है ये बोर्ड की तरफ से क्लियर किया जा चुका है। तो इसमें दोस्तों आज के रिजल्ट को लेकर दो बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं, आप लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से जान लीजिए। आज दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट को लेकर हायर चांसेस हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपका आज जो है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट अनाउंस करती है क्लास 12 के बच्चों का तो आज दोस्तों आपका रिजल्ट जो है 4 PM यानी कि शाम के 4 बजे से आपको पहले या 4 बजे तक जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिर से आप लोग देख लीजिए, आज रिजल्ट अगर अनाउंस होता है तो आपका रिजल्ट जो है शाम 4 तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर रिजल्ट आज अनाउंस नहीं होगा दोस्तों तो इसका मतलब सीबीएसई बोर्ड सेकेंड ऑप्शन पे जाने वाली है क्योंकि दूसरा पॉसिबिलिटी रिजल्ट को लेकर ये कहता है दोस्तों कि सीबीएसई बोर्ड 10 का रिजल्ट जो अभी ऑलमोस्ट प्रिपेयर पर है उसे पूरा प्रिपेयर होने देगी और उसमें जो है केवल 2 दिन का ही समय लगने वाला है। तो यही कारण है दोस्तों रिजल्ट को लेकर दूसरा पॉसिबिलिटी जो यहां पर है वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड 2 दिन वेट करके 10 और 12 का रिजल्ट एक साथ ही अनाउंस करे 6 से 8 सितंबर के बीच में। तो इसमें दोस्तों रिजल्ट को लेकर आज को लेकर 2 बड़े चांसेस है जो मैंने आपके सामने रख दिए, 1 और 2। अब दोस्तों नीचे एक बार आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा सीबीएसई बोर्ड को कौन से ऑप्शन को पिक करना चाहिए, आज ही रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए 12 का या फिर सीबीएसई बोर्ड को वेट कर लेना चाहिए 2 दिन का और उसके बाद जो है जैसे ही 10 का रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो 10 और 12 का रिजल्ट एक साथ ही अनाउंस कर दे। तो ऐसे में दोस्तों नीचे एक बार जरूर से कमेंट करके बताइएगा सीबीएसई बोर्ड को आज क्या करना चाहिए। वैसे में दोस्तों मैं तो बोर्ड से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है बिल्कुल भी एक भी समय ना लेट करिए क्योंकि अगर आप एक समय भी लेट करेंगे तो इससे बच्चों का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। कई सारे जगह पे दोस्तों कई सारे स्टेट में कॉलेज के एडमिशन जो है क्लोज हो रहे हैं। तो ऐसे में बोर्ड से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके आज ही रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए, बिल्कुल मत वेट करिए आप एक भी दिन का क्योंकि अगर आप एक दिन का भी वेट करते हैं तो इससे बच्चों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा उनके एडमिशन पे। तो बोर्ड से रिक्वेस्ट मेरी तरफ से दोस्तों यही रहेगा कि आज रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। वैसे में देखना होगा दोस्तों आज जो है बोर्ड किस ऑप्शन को पिक करती है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। अब दोस्तों हम बात करें रिजल्ट को लेकर, कुछ बातें ये भी निकल के सामने आ रही थी कि संडे को रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाता है। जैसे कि आज का दिन जो है दोस्तों टुडे जो है आज संडे है तो ऐसे में कई सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट संडे को जारी नहीं होता है तो आज रिजल्ट जारी होने को लेकर कोई भी चांसेस नहीं है यानी कि पूरी तरीके से कोई सा भी चांसेस नहीं है कि आज रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। इसको लेकर दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सीबीएसई बोर्ड ये कह रही हो कि वो संडे को रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट दोस्तों संडे को भी अनाउंस हो सकता है यानी सीबीएसई बोर्ड दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा ये सीबीएसई बोर्ड का पास्ट रिजल्ट डेट है यानी किस किस दिन सीबीएसई बोर्ड ने किस किस साल में रिजल्ट अनाउंस किया है। जिसमें बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट दोस्तों जैसे ही जिस दिन भी रेडी हो जाता है उसी दिन सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को जारी कर देती है। जिसमें आप लोग यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों
2017 को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। 2017 में दोस्तों 28 मई को रिजल्ट अनाउंस किया गया था, और ऐसे में दोस्तों आप लोग जाके सर्च कर लीजिए, 28 मई का जो दिन था वो संडे था, तो सीबीएसई बोर्ड ने संडे को भी रिजल्ट अनाउंस किया है, यानी कि इसका मतलब सीबीएसई बोर्ड संडे को भी रिजल्ट अनाउंस करती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज आखिरी में ये भी दिखा दूं, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, कंपार्टमेंट का रिजल्ट का दोस्तों इंटरफेस किस तरीके से है। वैसे में दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 की बच्चों का यानी कि कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, इसी सेम पेज पे आपका चेक किया जाना है। उसकी फर्स्ट इमेज देख लीजिए, इसमें कौन कौन से डिटेल्स आपको चाहिए, रोल नंबर चाहिए, स्कूल नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ये तीन डिटेल्स फिल करके दोस्तों आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सेम आपका बोर्ड का रिजल्ट की तरह है, तो इसमें कोई अलग नहीं है, बस यहाँ पे फर्क ये रहेगा दोस्तों के ऊपर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लिखा रहेगा, जो चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिजल्ट चेक करना है। वैसे में दोस्तों आज रिजल्ट को लेकर चांसेस जरूर है, लेकिन आगे जो भी होगा दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग नीचे एक बार जरूर से कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है, सीबीएसई बोर्ड को रिजल्ट आज ही अनाउंस कर देना चाहिए या फिर सीबीएसई बोर्ड को अभी वेट करना चाहिए 10 का रिजल्ट को रेडी होने तक। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग एक बार जरूर से जो है अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, आज वेट करना चाहिए या फिर आज ही रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।